हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों बहुत लोग मेरे से परेशान हैं कि आप कहाँ गए हो, कमेंट आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप में भी कमेंट करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, यूट्यूब में भी कोई कोई कमेंट करते हैं, पूछते हैं कहाँ गए हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ जो आया हूँ बहुत कठिन से आप आया यहाँ, और यहाँ पे आने के बाद ऐसा ऐसा मशीन है ना, कुछ समझ में नहीं आता है। अब को दिखा रहा हूँ, पीछे जो है मशीन पीछे मैं लगा दे रहा हूँ। अच्छा, जो ये मशीन है ना, ये कुछ समझ में नहीं आता है एकदम। अरे कई ठो इसका छेदा है, इतना बड़ा इसी से एक भाव जो दिख रहा है, यहाँ एक भाव और छेदा है, समझ रहे हैं? एक छेदा के मेरे को ऐसे ऐसे क्या है क्या नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे को 6 महीना में इसको सीख के कम्प्लीट करना है मशीन को यहाँ। और दोस्तों अभी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पे काम चल रहा है, काम लोग चल रहे हैं यहाँ के, काम करते हैं, जो करवाते हैं करते हैं, वो लोग बताते हैं कभी कभी अपना कुछ काम करते हैं तो कहाँ से उतना बताएंगे, लेकिन अपने को सीखना है तो भी पूछना ही पड़ता है। और वही मैं सीखता हूँ, पूछता हूँ और कुछ कुछ काम भी करता हूँ यहीं पर। अब काम भी करता हूँ, काम करूँगा तभी ना सीखूँगा काम कैसे करते हैं उसको। वही मशीन को मेरे को चलाने सीखना है। और दोस्तों बड़ी परेशानी, मैं तो क्या करूँ, मेरे यहाँ गांव के लोग भी आए थे, इसलिए मैं पूछा फ़ोन करके कि वहाँ पे आ सकता हूँ, कहाँ पे हैं आप लोग, ऐसे करके तो बताए कि यहीं पे हूँ। तो जहाँ पे मैं आया था वहीं पे हैं वो लोग, तो मेरे को और आसान हो गया आने से और यहाँ पे काम करने के लिए। लेकिन वो जगह पर वो लोग काम नहीं करते हैं, दूसरी जगह काम करते हैं। मैं मतलब वही रहते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन वो लोग दूसरी जगह काम करते हैं, मैं दूसरे में हूँ। जगह एक ही है और एक ही कंपनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा हट के काम करता हूँ और वो लोग थोड़ा सा हट के काम करते हैं, इसलिए कभी कभी लंच वगैरह मिलता है तो मिल जाता है। जैसे अभी लंच मिला है मुझे तो मिल जाते हैं, लेकिन मैं अभी दूसरी जगह आ गया हूँ, आराम कर रहा हूँ। अभी लंच है तो थोड़ा सा आराम कर रहा था मैं, नाश्ता वास्ता करके, खाना वाना खा के, और वो लोग अभी साइड में हो गए हैं और मज़ा वजा लेने के लिए आ जाते हैं कभी कभी, जैसे कि पानी वानी पीने का छुट्टी मिलता है उस समय आ जाते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारा एकदम, जितना दिख रहा है आपके नज़र में, जितना जा रहा होगा ना पीछे, उतना पूरा एक कंपनी का ग्राउंड है। एकदम पीछे जितना दिख रहा होगा पूरा ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा, मतलब 100 एकड़ के अंदर यहाँ पे होगा। इतने इतना छड़ है, इतना सरिया है यहाँ पे ना, अति ज़्यादा। खाली सरिये का काम होता है और सरिये वाला कंपनी CNC का है, सरिये वाला, सरिये का मोड़ना है, तोड़ना है, का जोड़ना है, इधर सब कुछ सीखना है। मतलब मेरे को सरिया मोड़ना सोड़ना नहीं है, मतलब वो मशीन को जिसे काम करता है वो मशीन को मेरे को सीखना है। मतलब उसके बारे में क्या करेगा, कहाँ टूट रहेगा, कहाँ ख़राब हो रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, ये सब सीखना है मेरे को। सरिया के बारे में नहीं सीखना है, सरिया उधर तो काम ही नहीं है मेरा, लेकिन मशीन के बारे में मेरे को सीखना है। मशीन क्या करेगा, कैसे बिगड़ेगा, कैसे ख़राब होगा, कैसे क्या करेगा, सब इसके बारे में मेरे को जानकारी लेना है। दोस्तों मैं अप्रेंटिस काम करता हूँ। अप्रेंटिस समझते हैं? नहीं समझ जाते होंगे भाई, पढ़े लिखे सब लोग हैं तो कैसे नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझता था, लेकिन दोस्त लोग बोल दिए तो आ गया, नहीं तो नहीं आने वाला था। और 6 महीना किसी प्रकार से मेरे को गुजारना है यहीं पे, और 6 महीना के बाद फिर मैं जाऊंगा, फिर देखूंगा क्या रिजल्ट आता है। एक भी सोचा कि एक बार मैं जा ही लेता हूँ, अच्छा बार बार सोचता हूँ, लेकिन मैं इस बार सोचा कि मैं चले जाता हूँ। गए बार राजनीति में इधर उधर घूमे फिरे, मज़ा नहीं आया, मतलब राजनीति छोड़ूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा भाई अभी सोचा कि 6 महीना के बाद है, 6 महीना में थोड़ा सा मैं CNC कंपनी वो किया था, अप्लाई किया था, तो इसमें अप्रेंटिस के लिए, मतलब नौकरी के लिए नहीं, अप्रेंटिस एक अलग होता है, नौकरी तो अलग है, अप्रेंटिस के लिए मैं सोचा चले जाता हूँ, अच्छा घूम फिर लेता हूँ थोड़ा सा, और अप्रेंटिस भी हो जाएगा, शायद कहीं लग जाए तो जॉब वॉब मिल जाएगा तो बढ़िया है। और यहाँ पर कुछ मिलता भी है, खर्चा पानी भाई काम करते हैं तो कुछ मिलता है, अप्रेंटिस में मिलता है, तो वही कर रहा हूँ। तो फिर और अभी मैं आप लोगों को सब कुछ वीडियो दिखाऊंगा, या तो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा या तो इसी में दिखाऊंगा, लेकिन देखिए बढ़िया है, दिक्कत नहीं होता है, खाना पीना सब सही मिलता है, हॉस्टल है, हॉस्टल में जाकर रात भर सुतो, खाओ पियो, फिर सवेरे आ जाओ, तो जाओ आओ जाओ आओ यही है। मतलब सवेरे 7:30 बजे वहाँ से निकल जाते हैं हॉस्टल से, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ, यहाँ पर खाना पीना खाते हैं 8 बजे तक, इसके बाद फिर यहाँ अपना ड्यूटी काम में आने के बाद फिर वही 12:30 बजे टाइम मिलता है खाने के लिए, 12:30 बजे खाना पीना खा के 2 बजे फिर लोगों
फिर देखो इधर उधर इधर उधर कुछ कुछ करना पड़ता है, और उसके बाद फिर वही 7:30 बजे फिर खाना पीना खाओ, 8 बजे के बाद आराम से सो जाओ। नहाने धोने वही समय है, मतलब सवेरे का 7:30 के इधर पहले 5 बजे 4 बजे 3 बजे 6 बजे उठ जाओ, और इसके बाद नहा धोहा के 7:30 बजे आ जाओ। तो ठीक है दोस्तों, जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी तो सोच रहे हैं कि लड़का लोग हैं अपने क्षेत्र के, बहुत जन हैं, लमसम 5-6 जन हैं, 5-6 जन हैं, सोच रहे थे कॉमेडी वमेडी बनाएंगे कुछ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ कॉमेडी बनाएंगे, तो देखिएगा आप लोग, और शेयर ओर कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और ऐसे लाइक ठोक दीजिएगा सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।